फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम शेयर करने वाली हूँ। सो उसके लिए हमें लेना है फ्रेश स्ट्रॉबेरी और उसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद में उसे मिक्सर जार में डाल के उसका प्यूरी बना लेना है। और उसके बाद हमें लेना है 1 कप व्हिपिंग क्रीम और उसे हमें अच्छे से व्हिप्ड कर लेना है। और उसके बाद उसमें डालना है 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क और बनाई हुई स्ट्रॉबेरी प्योरी, और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ऐड करेंगे 1 चम्मच पिंक फूड कलर और 1 चम्मच स्ट्रॉबेरी एसेंस, और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमारा आइसक्रीम का बैटर बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे कवर करके फ्रीजर में रख देंगे करीबन 6 से 7 घंटे के लिए। सो फ्रेंड्स, 6 से 7 घंटे के बाद में आप इसे निकाल के सर्व कर सकते हैं, साथ ही इसके अंदर स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी सॉस डाल के इसे इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।